बोलिए जगत गुरु भगवान श्री चंद्र महाराज की जय। आओ अज तुम दर्शन करवाने बहुत ही पवित्र अस्थान श्री निर्वाण आश्रम रामपुरा नारायणपुरा जिथे परम पूज्या बाबा श्याम प्रकाश जी की 52वीं सालाना बरसी, महंत अमर प्रकाश जी की 25वीं सालाना बरसी, श्रीमान महंत सुखदेवानंद जी की 5वीं सालाना बरसी के संबंध में सालाना महान संत समागम बहुत ही श्रद्धा नाल करवाया गया। अस्थान के मौजूदा गद्दी नशीन महामंडलेश्वर स्वामी जोगिंद्रानंद जी महाराज की देख रेख हेठ समूह नगर निवासी इलाके दी संगतां देश विदेश संगत सहयोग नाल करवाए गए समागम मौके आरंभ किए पाठां दे भोग पाए गए। इस मौके बड़ी गिणती विच संत महापुरश अते संगतां ने हाजरियां भरियां। समागम मौके बाबा अवतार सिंह जी बूंगा मस्तुआ वालों कीर्तन कर संगतां नूं निहाल किया गया। इन्हां समागमां मौके महंत अमरदास जी चक देसराज, महंत सोहनदास जी दाया कला, महंत कृष्णदास जी पूला प्रेजीडेंट, महंत धूनीदास जी डेरा आकड़ मुखिया, महंत आकाश मुनी जी, महंत शांतानंद जी जलंधर, महंत रविंदर दास जी ब्रह्म बूटा अमृतसर, महंत शांतानंद जी बीरोके, महंत रमेश मुनि जी भागी बंदर, महंत भूमानंद जी रापुर महामंडलेश्वर, डॉक्टर स्वामी चंद्रमुनि शेरों, महंत मक्खन मुनि जी डेरा करीपो डुम, महंत वेद प्रकाश जी ढुड्डी, महंत रामदास जी जलंधर, महंत जमुनादास जी दुनेवाला, महंत विवेकानंद जी जस्सी पौवाली, महंत राम मुनि जी शेरों ब्यास, महंत रामदास जी चट्ठा, महंत भीमदास जी माही नंगल, महंत हिम्मत प्रकाश जी सरहाला, महंत बलविंदर दास जी मुलापुर, महंत प्रताप दास जी अखाड़ा बेरीवाला अमृतसर, महंत बालक राम जी बीरोके, महंत धर्मुनि जी झनीर, महंत गोपीदास जी गहरी बुटर, महंत बलवंत प्रकाश जी राजपुरा, महंत कमल प्रकाश जी राजपुरा, बाबा तरमुखदास जी लंग, महंत सुरेश मुनि जी अमृतसर, महंत बूटीदास जी पूदन, महंत गंगा राम जी कोठा गुरु समेत अनेक महापुरश पुजे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। बोलना जाने माया मद माता, बोलना जाने मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, दुख कैसा पावे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय, तू संत का संत तेरे, तू संत का संत तेरे, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही,
तेरे सेवक का पाँव किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे। जम नहीं आवे नेरे, जम नहीं आवे नेरे, जम नहीं आवे नेरे, जम नहीं आवे नेरे, जम नहीं आवे नेरे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जो तेरे रंग रात स्वामी, जो तेरे रंग रात स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेट कोई। तेरी बख्श ना मेट कोई, सतगुर का दिलासा। सतगुर का दिलासा, सतगुर का दिलासा, सतगुर का दिलासा, सतगुर का दिलासा, सतगुर का दिलासा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मत माता, बोल न जाने माया मत माता, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। Thank you.
मंजल माही दी औखी घाटी संभल संभल पग धरना पगना पैर बड़ा कठिन सफर है ता संभल के चलना किते पाओ धरे जंत मरे गुरु की बाणी का बजना भी तेरे पैर थले आके किते कोई ऐसा रब का पैदा किया जीव ना मर जाए तो छेवें पातशाह ने सतवें पातशाह गुरु हर राय साहब जो बचपन च नाल तुरे जाने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के उन्होंने वड्डा सारा चोला पा लिया चोला पा के लंघन लगे तो एक फुल लगे सी टाणी नो चोले में चढ़ के हवा चलती सी टुट गया गुरु महाराज ने ज्ञान करवाया पुत्रा जे लिबास पहने ना तो कदर करनी चाहिए है संभल के चलना चाहिए फुल पहला टुट गया ने कि सुगंधी देनी कि भौरिया ने मकरंद चूसनी सी कि वातावरण साफ होना सी पहले ही टुट गया तो मिट्टी च मिल गया ज्ञान सी भी यह रास्ता बड़ा कठिन है संभल के चलना जिंदगी अंदर कितने तिलक ना जावे कितने डोल ना जामी मना मेरिया मोतिया में महल देख के मोती का मंदिर उसर है रतनी का हो जड़ाओ कस्तूर कुमू अब चंदन लीप आवे चा मत देख भूल सराया तेरा चित मैं आवे ना ता रहो विचार ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਏ ਗਏ।
वाहे गुरु 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 एक ओंकार सत नाम करता पुर निर्वो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैव गुर प्रसाद जप एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्वो सज्जनों आप बड़े भागा वाले हो जिन्हां नूं इहो जिहे महापुरशां दी सेवा करन महापुरशां दे दर्शन करन दा सुभ अवसर प्राप्त होया और आप सब नूं बड़े कर्मठ मेहनती और हमेशा हसमुख रहण वाले साडे सत्कारयोग महामंडलेश्वर स्वामी जोगिंद्रानंद जी महाराज मिले है। जदों महाराज स्वामी संगरिया वाले सुखदेवानंद जी महाराज जी का शरीर पूरा होया साडे संत समाज नूं बड़ी चिंता हुई उस समय भई अगे किहो जी व्यवस्था होगी किहो जी रूपरेखा होगी ये चिंता लगी सी साडे संत समाज नूं और भगत जनां नूं भी पर गुरुआं दी कृपा हुंदी है गुरुआं दा आशीर्वाद हुंदा है महापुरशां दा आशीर्वाद जदों तों महाराज जोगिंद्रानंद जी महाराज महामंडलेश्वर साडे सत्कारयोग उन्हां नूं इस स्थान दी सेवा प्राप्त होई संगरिया मंडी दी सेवा प्राप्त होई
उस तो जदों देखते हैं असं अज चार चन्न लगे स्थान दे मन खुश हुंदा है, मन बड़ा खुश हुंदा है जदों संगतां जुड़दियां हन। इस तरह ही एक तो एक चढ़ंदियां महापुरशां दे जदों चरण पैंदे है मन खुश हो जाता है, क्योंकि जो महापुरशां दा जीवन हुंदा है सज्जणों वो एक खुली किताब की तरह हुंदा है, एक अखबार की तरह हुंदा है जिदे विच कोई बल छल कोई कपट नहीं हुंदा। जिथे कोई बल छल कोई कपट हो गया तो उसे थोड़ी दिक्कत आती है। इस वास्ते महापुरशां दा जीवन बड़ा साफ सुथरा सी और वही जीवन साढ़े सत्कारयोग महामंडलेश्वर स्वामी योगिंद्रनाथ जी महाराज जी का जीवन जदों भी असीं मिलते हैं जदों भी समागम से मिलते हैं इकट्ठे होंने बड़ा हसमुख जीवन है, हमेशा ही हस के मिलना हरेक नाल प्रेम नाल मिलना ये गुरुआं की कृपा होंदी है। पातशाह की पावन बाणी है सत संगत कैसे जानिए जिथे एको नाम बखाणी। सत संगत कहिंदे किहनूं ने जिथे परमात्मा की उस्तति होंदी होवे, जिथे परमात्मा के नाम की बड़ियाई होंदी होवे, जिथे उस मालक के नाम नूं गाया जांदा होवे, अरे सतपुरशां की संगत की जाती होवे, क्योंकि सतपुरशां की संगत दे विच ही परमात्मा के नाम नूं गाया जा सकता है। संगत ही वड़ियाई गुरु पातशाह ने बहुत उची दिती है, बहुत उची ते सुची दिती है, क्योंकि परमात्मा दी नाम दी वड़ियाई करनी बहुत औखी है, आखण औखा सचा नाम। जीवन काल दे विच सब तो वड्डा की है संसार दे विच वो परमात्मा दा नाम लैणा, आखण औखा सचा नाम। होर चीज़ां सारियां प्राप्त हो जाणगियां, होर चीज़ां तुसीं कर लोगे पर परमात्मा दा नाम लैणा ते सतसंगत करनी सतपुरशां दा संग करना ये सब तो औखा काम है। पर महाराज कहते बड़ियाई किनू मिलती है, हुंदी किनू प्राप्त है, पातशाह दा हुक्म सुनियो पूर्व कर्म अंकर जा प्रगटे भेटियो पुरख रसक बैरागी। कोई साडा पूर्व का बीजा होया कर्म प्रगट हुंदा है तां जाके सानू सतपुरशां दी संगत मिलती है, तां गुरु की वड़ियाई मिलती है, तां ही असीं परमेश्वर दे नाम की प्राप्ति कर सकते हैं। इस करके भगत कबीर जी कहते हैं इन्हां चीज़ां नूं प्राप्त करने वास्ते दो चीज़ां करनियां चाहीदियां मनुख दे नूं, एक है सेवा करनी ते एक संगत करनी। मेरे तो पहला सारे महापुरशां ने इस स्थान वास्ते इस स्थान दे होए महापुरशां दी महिमा वास्ते तुहानूं जाणू करवाया, जिदों तुसीं आप संगत भली भांत जानदे हो इत्थे इन स्थानां दे जिन्ने भी साडे महापुरश इस तो पहला होए सारे परम तपस्वी परम त्यागी सिमरन करन वाले भजन करन वाले वंदगी करन वाले महापुरश होए है, क्योंकि सजणो जिहड़े स्थानां दे उपर जिहड़े महापुरशां दे विच तप अते त्याग दोनों चीज़ां होण अते जिस स्थान दे उपर रहिंदे उस स्थान नूं तप अते त्याग दोनों चीज़ां प्राप्त हो जाण उत्थे फिर किसी चीज़ की ना कदे कोई तोड़ रही है अते ना कदे रहनी है। ते तुहाडे इस स्थान दे बड़े बड़े भाग है, तुहाडे संगत दे बड़े चंगे कर्म किए हुए है कि जिन्हें महापुरशां दे नाल तुसीं लिव लाई हुई है, जिन्हां नूं गुरु धारिया होया है, जिन्हां दी शरण च बैठ के जिन्हां महापुरशां नूं तुसीं याद कर रहे हो, चाहे वह साडे महाबलेश्वर प्रकाशानंद जी महाराज परम तपस्वी, चाहे साडे बहुत सत्कार जो श्री मान मान सुखदेवानंद जी महाराज हो, सजणो इन्हां दे जीवन ते जेकर झात मारीए तां इन्हां दे जीवन दा एक एक पल वो तप दे नाल तपस्या दे नाल बंदगी दे नाल सिमरन दे नाल उन्होंने अपने जीवन नूं सींचा हो ते उन्होंने उस तप दे नाल उस त्याग दे नाल साडे इन्हां स्थानां नूं चाहे संघ जां मंडी वाला पवित्र स्थान होवे ते चाहे आ साडा रामपुरा नारायणपुर वाला स्थान होवे, सजणो इहदी इक इक एक एक जगह एक एक इत्थे जिहड़ी कोई भी कण तों लै के आ जिन्नी तुसीं बिल्डिंग देखदे हो महापुरशां ने अपने तप ते त्याग दे नाल तपस्या दे नाल इत्थे बनाई।
महापुरश किते नहीं गए, अज भी वो साडे च विराजमान ने, क्योंकि महापुरश जाया नहीं करते, हमेशा ही शरीरक तौर पर चाहे वह साडे चो गए है, पर आत्मक तौर पर अज भी साडे च विराजमान है। अज भी वो वेख रहे है कि मेरी संगत जिन्हों मैं उपदेश दिता, जिन्होंने मैं चंगे सिमरन भजन बंदगी वास्ते ला के उन्होंने चंगे रस्ते से चलन के लिए प्रेरित करके गए कि अज भी साड़ी संगत उस रस्ते से चल रही है। तो सजनों अज वो जिथे भी बैठे तो वेख के गदगद हो रहे हो कि उन्हों का लाया होया बूटा, उन्होंने ये जी संगत है इनू दते हुए वो उपदेश अज भी इस संगत के सिर चढ़ के बोल रहे। सजनों तुहाडा प्रेम तुहाडा स्नेह जो भी संस्थान से आने चे पहला आइए चे अज आइए, हमेशा संगत का प्रेम जेड़ा तुसी महाराज प्रकाशानंद जी महाराज तो लेके सुखदेवानंद जी महाराज ते साडे वजूदा गद्दी नशीन श्री मान महामंडलेश्वर स्वामी जोगिंद्रानंद जी महाराज जेड़ा तुसी प्रेम स्नेह उन्होंने ना रखते हो, उन्होंने ना सत्कार अदब रखते हो, वो छुपाया नहीं। अज उन्होंने महापुरखों की सालाना बरसी समागम मनाए जा रहे ने, उन्हां महापुरखां नूं याद किया जा रहा है जिहड़े कि अपने जीवन का मार्गदर्शन दे के संसार नूं ते लोगां नूं परमात्मा दे नाल जोड़ के गए ने। याद रखियो प्यारी साध संगत, दुनिया ते परमात्मा ने जो नियम बनाया आ कि साडा जन्म हुंदा ते उस तों बाद मौत हो जाती है, एक अटल सच्चाई है। जिस तरह महाराज कह रहे सन, जन्मंग ता मरणंग हरखंग ता सोगंग ऊचंग ता नीचंग नाना सो मूचंग, मन लिखाए मंडल में आए क्यों रही है चलना प्रथाए, सबना मरना आया बिछोड़ा सबना पूछो जाए सियाणिया आग्या मिल के ना। जिहड़े दुनियावी लोग हाँ असा साडा दसवें दिन भोग पा दिता जाता अपने वालों, जिन्हां वास्ते असीं सारी जिंदगी पता नहीं किहो जिहे इंसान अडंबर करदा है, पाप करदा है, झूठ बोलदा है, जिंदगी का पल पल अपने परिवार लई अपने बच्चों लई निशावर कर देंदा है, पर लेकिन दसवें दिन बाद भोग पाया दिता जाता है। वह तस्वीर जिहड़ी भोग वाले दिन सामने रखी जाती है, जे दो साल बाद जाके पुछो कि तुहाडे बापू की फोटो कित्थे है, शायद वह फोटो घर दे विचों गायब हो जाएगी। पर जिन्हां महापुरखों की सालाना इस बरसी समागम से आप बैठे हाँ, याद रखियो जिन्ना चिर तक दुनिया रहेगी ना उन्ना चिर तक ये महापुरशां दीआं तस्वीरां ते जिहड़ियां यादां ते बरसियां हमेशा दुनिया मनाउंदी रहेगी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इस करके गुरु तेग बहादुर जी ने आख्या कि नाम रहो साधु रहो रहो गुर गोबिंद, कहो नानक यह जगत मैं किन जपियो गुरमंत। तुसी भागां वाले हो, भागा वाला यह नगर है जिथे योजे महान तपस्वी ब्रह्म ग्ञनी तत् बेत्या ने बैठ के सिमरन किया बंदगी की, इतने के कण कण के उस राम राम का आवाजा आ रहा है, राम राम की खुशबू आ रही है। इस करके बाणी ने आख्या कि बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा प्रभ चरण कमल रिद माहे नवासा, ये बैकुंठ नगरी है जिथे योजे महापुरखा ने बंदगी वाले उस महान तपस्वियों का शरीर ब्रह्म लवलीन होया ते उन्होंने इत्थे बैठ के भजन किया सिमरन किया। इत्थों की खुशबू दुनिया लेंदी रहेगी ते इत्थों हमेशा शांति का प्रसाद तुहानू वरता जाएगा। ब्रह्मलीन महापुरुख पूजनीक बाबा श्याम प्रकाश जी महाराज, महंत अमर प्रकाश जी महाराज, महंत सुखदेवानंद जी महाराज की बरसी समागम के संबंध में असि सारे जुड़ बैठ गए। महापुरुष दुनिया में बड़े काम आते हैं, मिटाते खौफ मरने का अमर बनना सिखाते हैं, साधु संसार में आते हैं करते की हैं, वो साडा मार्गदर्शन करते हैं, सानू साधु उपदेश देते हैं, सानू विचार देते हैं, साडे जीवन की दिशा ते दशा दोवें बदल देते हैं, असी किस मार्ग ते चलना है, करना की है, असी संसार विच क्यों आए हाँ, की करना है। साधु महापुरखां दे पवित्र बचन सरवण करिए ते सुनन दे नाल मन विच चंगे संस्कार उत्पन्न होणगे। हुण असी सुन रहे सां
सत्संगत करिए, परमेश्वर के नाम का जप करिए, परमेश्वर के नाम की आराधना करिए, बुराइयां तो बच जाइए, जीवन में चंगियाइयां धारण कर लीए, चंगी संगत करिए, नशियां के सेवन तो बचिए। ये सारे महापुरुखों के बचन कैसे कीमती बचन हैं। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने सुखमणि साहब के एक बचन किया, उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन। साधु की रचना तो निकले बचन बड़े अमोलक हैं। इन्हों सुनने तो बाद असं जीवन के धारण कर लीए। सुनना चंगी गल है, पर सुन के उन्हें बचना नू कमाना यह होर महत्वपूर्ण है। सुनत कमावत हो उधार, आप तरह लोगों ने सुधार। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा तदावधार्यताम। आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचारे। जीवन में चंगी गल सुननी चाहिदी है, चंगे विचार सुनने चाहिए। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महापुरशां ने बहुत वधिया ते सुची गल समुची गल करी। महापुरशां ने तुहानू शरीर दे बारे च जानकारी भी दई कि मनुष्य दा जीवन है वो अनमोल है, तो इनू ऐं ना गवाईए। क्यों मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों फल पंड पक्के बोंड गए बोहर ना लागे डाल। ते जड़ा जन्म मिलिया होया है इनू ऐ ना गवाईए। एक घड़ी आदि हुपने आद संतन कीजे गोष्ठी जो कीनो सो लाभ। महापुरशां दी बरसी ते आए हुए महापुरश श्याम प्रकाश जी महाराज जी, अमर प्रकाश जी महाराज जी, सुखदेवानंद जी महाराज, तीन महापुरशां दी बरसी है। तो महाराज जी गुरबाणी च कहंदे नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद, कहो नानके जगत में किन जपियो गुरमंत। जड़ा बंदा भजन करता है, दान पुण्य करता है, या महापुरशां दी सेवा करता है, या कोई भला काम पिंड दा करता है, या लोक भलाई दे काम करता है, उहदा सदीव नाम रहिंदा है। उहदियां ही यादगारां मनाई जांदी है, बाकियां दी नहीं मनाई जाती है। मेरे वर्गे बहुत आउंदे बहुत जांदे है। तो इन्ना संतन जी साडे महामंडले सर बेग भगवान जी ने इस नगरी नूं महापुरशां ने रामपुरा नारायणपुरा नूं ऐं वसदा रहे। तो महापुरशां दी असीं बरसियां मनाउंदे रहिए, महापुरश दर्शन देंदे रहे। तो मैं भगवान श्री चंद्र महाराज जी पंच परमेश्वर ते कामना भी करदे हैं कि साडा मंडलेसर योगेश्वरानंद दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी करता रहे, तो नगर भी करता रहे, नगर ऐं सेवा करता रहे। इन्ना कहंदे होए क्यों समा ज़्यादा हो गया, तो मैं ज़्यादा समा नहीं लेना है, पर एक गल जरूर कहेंगे, जो कोई चार पदार्थ मांगे सात जना की सेवा लागे। संतां दी सेवा करो, तो ये जड़े हुण अजकल तीन चीज़ां कोई टिकाऊ नहीं है, मच्छर मक्खी ते मोबाइल, ये तिने ही बेचैनियां ही लाउंदी है। तो सड़कां ते भी देखिया, घरां च ही देखिया होया है कि मोबाइलां ते ज़्यादा लगे हुए हैं, भजन करनी घट है। तो मेरी ये बेनती है कि अपन बरसी ते आए हैं, पाँच मिनट दस मिनट या आध घंटा सवेरे शाम बच्चों नू भी, तो अपनी बुद्धि नू भी वाहगुरु वाहगुरु राम राम जो जिसनू मनदा है उहदा भजन जरूर करे। तो इहदे नाल अपना लोक परलोक दोनों ही सुधर जाने। तो बरसी ते आए दा होया अपन लाभ मिलेगा। बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय, बोल महापुरशां की जय। बीबी ते सेवादारा वल्लों तैयार किए गुरु के लंगर सारे महापुरशां अते संगतां ने इकट्ठे बैठ के छकिया। अते आए महापुरशां दी महामंडलेश्वर स्वामी जगेंद्रानंद जी, महंत अमरदास जी चकदेसराज, महंत सोहनदास जी गऊशाला दायकला वालों पंगत पूजा भी की गई। अते अखीर साडे रिपोर्टर गौरव गर्ग शेरपुरा नाल गलबात करदे आए महापुरशां अते संगतां दा
धन्यवाद भी किया गया। श्री निर्वाण आश्रम रामपुरा नारायणपुरा तहसील अबोर जिला फाजिलका तो गौरव गर्ग शेरपुर की एक खास रिपोर्ट। जे तू दुनिया तो कुछ खटना है इस दर ते आके देख जरा जे तू दुनिया तो कुछ खटना है इस दर ते आके देख जरा जे तू दुनिया तो कुछ खटना है इस दर ते आके देख जरा जे तू दुनिया तो कुछ खटना है इस दर ते आके देख जरा बाबे नानक दी तस्वीर बसा के वेख जरा अखियां विच बाबे नानक दी तस्वीर बसा के वेख जरा अखियां विच बाबे नानक दी जे तू दुनिया तो कुछ खटना है इस दर ते आके वेख जरा दुनिया तो कुछ खटना है इस दर ते आके वेख जरा ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਬਣਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਖਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਾ ਤੂੰ ਖਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਣਾ ਏ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਣਾ ਏ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਸਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਸਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘਟਣਾ ਏ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ
फिर आपे ही बन जावेगी। जिदा भी तकदीर तेरी फिर आपे ही बन जावेगी। तू अपने रुसे प्रीतम नू अपने रुसे प्रीतम नू एक बार मना के वेख जरा। दुनिया तो कुछ खटना है इस साल ते आके वेख जरा। तू दुनिया तो कुछ खटना है इस साल ते आके वेख जरा। अखियां विच बाबे नानक दी तस्वीर बसा के वेख जरा। अखियां विच बाबे नानक दी तस्वीर बसा के वेख जरा। जे तू दुनिया तो कुछ कटना है इस दर ते आके वेख जरा। इत्ते सब दी चोली भरती है जो सरदा धार के आ जावे। चोली भरती है जो सरदा धार के आ जावे। इत्ते सब दी चोली भरती है जो सरदा धार के आ जावे। तू मालिक दे चरना दी चरना दी मन प्रीत बना के वेख जरा। तू दुनिया तो कुछ खटना है इस दर ते आके वेख जरा। तू दुनिया तो कुछ खटना है नानक दी तस्वीर बसा के वेख जरा। अखियां विच बाबे नानक दी तस्वीर बसा के वेख जरा। जे तू दुनिया तो कुछ खटना है इस दर ते आके वेख जरा। जे तू दुनिया तो कुछ कटना है इस दर ते आके वेख जरा। मन प्रीत बना के वेख जरा इस दर ते आके वेख जरा। बोल जगत गुरुवान श्री चंद्र महाराज की जय। अज रामपुरा नरपुरा निर्वाण आश्रम दे विच जो प्रोग्राम मनाया गया है बड़ी धूमधाम नाल श्रद्धा नाल मनाया गया है। इस प्रोग्राम ते महामंडलेश्वर स्वामी जगिंद्रानंद जी का धन्नवाद करदे आं। ते आईयां होईयां देश विदेश तो यात्र अपना संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद करदे आं। जिहड़े महंत निर्वाण नागे निर्वाण साधु संत पहुंचे आ उन्हां दा वी धन्नवाद करदे आं। धन्नवाद करदे आं। असी चाहने हाँ इस स्थान ते इस तरह ही मेले लगते रहन चढ़दी कला रहे। बोल गुरुवान श्री चंद्र महाराज की जय। बोल भगवान श्री चंद्र महाराज की जय। अज स्थान
निर्माण आश्रम नारायणपुरा रामपुरा विखे अज सालाना जोड़ मेला बड़ी ही शरदा ते धूमधाम नाल मनाया गया, जिहदे विच दूरों दूरों महापुरश महामंडलेश्वर और दूरों दूरों चल के संगत आईयां। जो सालाना जोड़ मेला महापुरशां दी छत्रछाह हेठी चलते हैं, सो असीं आईयां होईयां संगतां दा महापुरशां दा तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। तो अपने गुर भाई वीर सज्जन साडे जोगिंदरानंद जी महामंडलेश्वर इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद, जिहड़े एडे वड्डे वड्डे समागम करते हैं। सो परमात्मा भगवान श्री चंद्र महाराज कृपा करन इन्हां ते, इदां ही सारे समागम करते रहन। सो असीं आईयां होईयां संगतां दा सारिआं दा धन्नवाद करते हैं। बोल भगवान श्री चंद्र महाराज की जय। बोलना जी जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय, सिद्ध गुरु नानक देव महाराज की जय। अज आपां बहुत ही पवित्र स्थान निर्वाण आश्रम रामपुरा नारायणपुरा डेरा बाबा श्री चंद जी महाराज उदासीन आश्रम रामपुरा नारायणपुरा उत्थे धन धन बाबा श्याम प्रकाश जी महाराज जी उन्हां दी वरसी ते एकत्र होए हैं। अज बहुत दूरों दूरों इत्थों संत महापुरश पंजाब तो हरियाणे तो राजस्थान तो होर भी कई स्टेटा तो महापुरशों ने हाजरी भरी, तो सारे महापुरशों जी आया बहुत बहुत धन्यवाद सारे का महापुरशों का। तो देश विदेशों तो संगत इतने बहुत हज़ार की तादाद इकट्ठ सी, तो सारी संगत का भी बहुत बहुत असी धन्यवाद करते हैं। मेरे गुरु भाई महंत सोहन दास जी महाराज महंत अमरदास जी महाराज ये बहुत ही मेरा सहयोग करते रहते ने, मेरे वीर जदों भी मैं जिथे भी याद करा उत्थे मेरे नाल खड़ जाते हैं। ये जिहड़ा पेख बाबे श्री चंद दा पेख आ, असी चाहते हाँ उस गुरु नानक देव दे लाडले दी जय जयकार हुंदी रहे, ते उहदा जिहड़ा प्रताप आ क्योंकि उन जिन्नी बंदगी करी आ असी तां उहनां दे पैरां वर्गे भी नहीं, वह देश विदेशों तक फैलता रहे, यही मेरी मनोकामना आ, यही मेरी बेनती है। जिहड़ियां वरसियां बाबा श्याम प्रकाश जी महंत हरि प्रकाश जी महंत अमर प्रकाश जी महंत सुखदेव आनंद जी उहनां दी यादगार आपां मना रहे हैं, तो आप चाहते हाँ इस दर का कुकर आ मैं, इस सेवा इदा ही चलती रहे, इस दर पर इदा ही मेले लगते रहन, बस यही मेरी मनोकामना है। इतने मैं अपनी बाणी की समाप्ति करता हाँ। बोलना जी जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय, श्री गुरु नानक देव महाराज की जय।